हेलो दोस्तों, नेविगेट में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों अपन स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। तो चलो दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आपके सिलेबस में इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैक्सिमम 20 से 25 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आज के लेक्चर में अपन स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक। तो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक में सब जानते हैं दोस्तों कि 6 टाइप्स के ट्रिग्नोमेट्रिकल आपके रेशियो होते हैं। 6 टाइप्स के जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। एंड इसका जो रेसिप्रोकल फॉर्म होता है दोस्तों, कोसेक, सेक और कॉट थीटा। देर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। और सेकंड कंडीशन दोस्तों क्या होता है, सेकंड कंडीशन में आपके पास कोई भी एक, आप यहाँ पर एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, यहाँ पर आपका एक एंगल बन रहा है दोस्तों, ये थीटा आपके पास एंगल है, ये थीटा है। तो थीटा के सामने वाली जो आपके पास साइड्स होती है दोस्तों वो परपेंडिकुलर रहती है, हाइपोटेनस रहता है जिसको आप एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बेस होता है जिसको आप बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है, पाइथागोरस थ्योरम का एक स्टेटमेंट होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है कि हाइपोटेनियस ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑफ होल स्क्वायर प्लस बेस ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। ये पाइथागोरस थ्योरम जो है राइट एंगल के लिए अप्लाई होती है, राइट एंगल ऑफ ट्राइंगल। जो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है दोस्तों वो राइट एंगल ऑफ ट्राइंगल के लिए अप्लीकेबल है। यहां पर देखो ये एंगल बन रहा है आपका 90 डिग्री, दैट मींस ए बी और बी सी लाइन जो है परपेंडिकुलर है दोस्तों। ए बी और बी सी लाइन, ए बी परपेंडिकुलर टू द बी सी, यदि ए बी और बी सी लाइन परपेंडिकुलर है तो इसके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर मान लो दो साइड्स में एक एंगल बन रहा है आपके पास 90 डिग्री, तो वो कहलाता है राइट एंगल ऑफ ट्राइंगल। तो राइट एंगल ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पर यदि आप एंगल कंसिडर करते हैं तो सामने वाला आपका परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेन्यूस होगा और बेस होगा। अब एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, जो हाइपोटेन्यूस होता है वो ग्रेटर होता है परपेंडिकुलर से, जो हाइपोटेन्यूस होता है वो ग्रेटर होता है बेस से। यदि आपके पास हाइपोटेन्यूस और दोनों परपेंडिकुलर और बेस से यदि आपके पास ग्रेटर हैं तो उसका एरिया आप निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है आपको 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। आपको हाइपोटेनियस वाला पार्ट कंसिडर नहीं करना है दोस्तों, ये कहलाता है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल की कंडीशंस क्या है दोस्तों, कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है सबसे ग्रेटर देन साइड्स होती है। जैसे मान लो आपके पास कोई भी एक ट्राइंगल है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 10 दे रखा है, यहाँ पर 2 दे रखा है, यहाँ पर 9 दे रखा है, आपसे पूछा जाएगा इसका एरिया फाइंड आउट करो। तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल आपको 10 को नहीं लेना है, क्योंकि 10 जो है 2 और 9 से ग्रेटर है। जो 2 बेस और परपेंडिकुलर से जो ग्रेटर होता है दोस्तों वो हाइपोटेनस कहलाता है। तो आपको यहाँ एरिया फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, 1/2 b × p, मतलब 1/2 आपका ये आ गया दोस्तों। इसका यदि मान लो आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो आपके पास डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा 1/2 × आपके पास 9 × 2 हो जाएगा, 9 × 2 हो जाएगा दोस्तों। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया आपका दोस्तों कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि मान लो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर और बेस से हाइपोटेनस ग्रेटर है तो आपका फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, 1/2 b × p, ठीक है, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये जो है ये फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल होती है दोस्तों राइट एंगल ऑफ ट्राइंगल के लिए। तो अपन बात कर रहे हैं दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की। तो 6 टाइप से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। अब यदि अपन साइन थीटा की बात करते हैं तो साइन थीटा का एक बेसिक फॉर्मूला होता है दोस्तों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो साइन थीटा का होता है, कॉस थीटा का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस जो कि यहाँ पर एक्सप्लेन करा हुआ है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यदि मान लो इसमें ये तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा है, यदि आप कोसेक, सेक और कॉट की बात करते हैं,
सेकंड थिंग क्या होती है दोस्तों, कॉसेक, सेक और कॉट की बात करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा जो होता है ना दोस्तों, वो हमेशा रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। तो एक आइडेंटिटी आपको ये मिल जाएगी, क्योंकि आपके पास जो कॉसेक थीटा होता है वो रेसिप्रोकल फॉर्म में होता है साइन थीटा के। फिर यदि अपन बात करें सेक थीटा, तो सेक थीटा जो है वो रेसिप्रोकल होता है 1/cos थीटा का, और कॉस थीटा जो रेसिप्रोकल होता है 1/sec थीटा का। यदि अपन कॉट थीटा की बात करते हैं, तो कॉट थीटा जो होगा 1/tan थीटा के फॉर्म में आएगा, 1/tan थीटा के फॉर्म में आएगा। यदि साइन थीटा आपके पास परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर, आपके पास साइन थीटा का जो फॉर्मूला है दोस्तों, साइन थीटा का फॉर्मूला आपका परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस है, तो आपके पास जो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल फॉर्म में होते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है आपका कॉस थीटा। यदि कॉस थीटा का फॉर्मूला हाइपोटेनियस अपान बेस, सॉरी कॉस थीटा का फॉर्मूला आपके पास बेस अपान हाइपोटेनियस होता है दोस्तों, तो यदि मान लो उसको सेक थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सेक थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, एच अपान बी हो जाएगा, मतलब हाइपोटेनियस अपान बेस हो जाएगा। यदि आप बात करते हैं कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा जो होता है दोस्तों टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो टेन थीटा का जो फॉर्मूला आपने जो लिखा है दोस्तों, ये हो जाएगा पी अपान बी, तो बी अपान पी हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी अपान पी, मतलब बेस अपान परपेंडिकुलर। तो इस टाइप्स के से टाइप्स के ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है दोस्तों। इस टाइप अपन क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के फॉर्मूले भी ध्यान रखना है। इसमें और भी कुछ आइडेंटिटीज हैं जिसको अपन एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों। एक फार्मूला होता है आपका टेन थीटा का, टेन थीटा जो होता है ना दोस्तों, वो साइन थीटा अपान कॉस थीटा के फॉर्म में रहता है। टेन थीटा दोस्तों क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है दोस्तों। कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, कॉट थीटा जो होता है टेन थीटा का रेसिप्रोकल होगा, मतलब ये फॉर्मूला हो जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा के फॉर्म में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि सेकंड कंडीशन, यदि मान लो आपके पास साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू दोस्तों 1 होता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, एंगल आपके सेम होना चाहिए, तभी आप इसको क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एंगल अलग है और यहाँ पर एंगल अलग है, तो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। अब यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। साइन स्क्वायर थीटा दैट मीन्स 1 - cos² थीटा, एंड अगेन द फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा दैट मीन्स 1 - sin² थीटा। अब इसी फॉर्मूले से आप दो फॉर्मूले मॉडिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर यदि मान लो साइन थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों, तो ये रूट इधर, ये 2 इधर आएगा तो रूट में आ जाएगा, दैट मीन्स यहाँ से 1 - cos² थीटा हो जाएगा दोस्तों। यदि आपको कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये आ जाएगा √1 - sin² थीटा दोस्तों, क्या हो जाएगा, 1 - sin² थीटा हो जाएगा। तो इस टाइप आपको ये आइडेंटिटी ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट आइडेंटिटी होती है, नेक्स्ट है आपका sec² थीटा, sec² थीटा इक्वल टू 1 + tan² थीटा, sec² थीटा इक्वल टू दोस्तों क्या होता है, 1 + tan² थीटा। या आप tan² थीटा को इधर आप यदि आप कन्वर्ट करेंगे, तो आपका sec² थीटा - tan² थीटा की वैल्यू दोस्तों 1 होगी। इसी टाइप एक फिफ्थ वाली आइडेंटिटी होती है cosec² थीटा, cosec² थीटा दोस्तों होता है 1 + cot² थीटा दोस्तों, क्या होता है, 1 + cot² थीटा। cot² थीटा को भी आप इधर ट्रांसलेट कर देंगे, तो आपके पास आइडेंटिटी मिल जाएगी cosec² थीटा - cot² थीटा इक्वल टू, ये आइडेंटिटी आपकी दोस्तों 1 होगी। तो ये जितनी भी आइडेंटिटीज है दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट जो आइडेंटिटी होती है ना, उसके बाद आपके पास एक टेबल होती है, उस टेबल को आपको ध्यान रखना है। मतलब यहाँ एंगल की टेबल होती है, जिसमें आपके पास थीटा होता है, थीटा आपके पास रहेगा, उसकी एक टेबल रहेगी, फिर 0 डिग्री होगा, फिर आपके पास 30 डिग्री होगा, फिर आपके पास 45 डिग्री होगा,
फिर आपके पास 60 डिग्री होगा, फिर आपके पास 90 डिग्री होगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की आपके पास एंगल के फॉर्म में टेबल है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म, पहले आपका साइन थीटा है, साइन थीटा 0 पे 0 होता है, 30 पे 1/2 होता है, 45 पे 1/√2 वैल्यू होती है, 60 पे √3/2 होता है, और 90 पे डायरेक्टली वो 1 हो जाता है। यदि सेकंड आपके पास रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो कॉस थीटा आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये √3/2 यहाँ आ जाएगा, 1/√2 आपका एज इट इज रहेगा, यहाँ से लिखते जाएंगे 1/2 आपका आ जाएगा, 1/2 आपका आ जाएगा, ये 1/√2 है दोस्तों, 1/√2 है, 1/2, और ये 0 यहाँ आ जाएगा। अब दोस्तों यदि आप टेन थीटा की टेबल यदि मॉडिफाई कर रहे हैं, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, फॉर्मूला अपन लिखा है, फॉर्मूला आप लोगों ने डिस्कस करा है दोस्तों, इसके स्टार्टिंग वाले स्लाइड में अपन ने लिखा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आप साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करो, 0 डिवाइडेड बाय 1 तो 0 होगा, इसको ऐसे डिवाइड करेंगे 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कैंसिल होगा, इसको सॉल्व करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और 1/0 जो है किसी भी नंबर के अपान में यदि 0 आता है दोस्तों, तो वो इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब यदि मान लो आप कॉसेक थीटा की बात करते हैं, कॉसेक थीटा में से साइन थीटा का रेसिप्रोकल होगा, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, 1/√2 का √2 हो जाएगा, √3/2 का 2/√3 हो जाएगा, और 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा। फिर कॉसेक थीटा के बाद आता है आपका सेक थीटा, जो कि कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है दोस्तों, कॉस थीटा 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का आ जाएगा 2/√3, √2 1/√2 का हो जाएगा दोस्तों, √2 1/2 का 2 हो जाएगा, और यदि 0 है तो वो इन्फिनिटी होगा। फिर आपके पास टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है दोस्तों, 0 का हो जाएगा इन्फिनिटी, 1/√3 का √3 हो जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का हो जाएगा 1/√3, और इन्फिनिटी का हो जाएगा दोस्तों 0। तो इस टाइप आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल आपको ध्यान रखना है। अब ये जो है, ये जितने भी थीटा आ रहे हैं वो डिग्री में आ रहे हैं, यदि आपको रेडियन चाहिए तो रेडियन आ जाएगा आपका π/6। π/6 आपका 30 डिग्री होता है, π/4 जो होता है दोस्तों वो आपका 45 होता है, π/3 जो होता है दोस्तों वो 60 डिग्री होता है, और π/2 जो होता है दोस्तों वो आपका 90 डिग्री होता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यदि डिग्री है, डिग्री से आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री से दोस्तों आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा π/180 डिग्री से। यदि आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 180/π से, ये मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, ये सब किसी भी नंबर में यदि आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास जो कंडीशन है वो डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको 30 डिग्री है, फॉर एग्जांपल 30 डिग्री को आपको कन्वर्ट करना है, ये डिग्री आ गया आपका, ठीक है, इसको रेडियन में बनाना है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, 30 में आप मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 डिग्री से, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3/6, मतलब ये रेडियन में आ जाएगा π/6। तो आपको क्या करना है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए जो भी डिग्री वाला फॉर्म है उसमें π/180 डिग्री से मल्टीप्लाई करना है। यदि रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों 180 डिवाइडेड बाय π से मल्टीप्लाई करना है, तो वो डायरेक्टली रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, रेडियन से डिग्री में वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में अपन डिस्कस करने वाले हैं कुछ एग्जांपल दोस्तों। आप यहाँ पर क्वेश्चंस यदि आपके पास पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चंस या तो वो रेशियो के फॉर्म में पूछे जाएंगे, या आइडेंटिटी के फॉर्म में पूछे जाएंगे, या फिर आपकी टेबल के बारे में पूछे जाएंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं दोस्तों, साइन थीटा आपके पास 3/5 है, साइन थीटा दोस्तों क्या है आपका 3/5 है, ये वैल्यू आपके पास दोस्तों दे रखी है, साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों, आपको फाइंड आउट करना है टेन थीटा, आपको फाइंड आउट क्या करना है दोस्तों,
टेन थीटा फाइंड आउट करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, जो साइन थीटा जो होता है ना दोस्तों, वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी दोस्तों क्या होती है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी दोस्तों क्या होती है, वन होती है। अब यहाँ से आपको कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये इधर ट्रांसलेट हो जाएगा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा दोस्तों, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप साइन थीटा की जो वैल्यू गिवन है वो आप पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 3/5 का होल स्क्वायर है, तो 3/5 को ओपन करेंगे तो 9/25 आ जाएगा, और 9/25 को यदि आप एलसीएम लेंगे 9/25 का, तो 9/25 का जो एलसीएम है 1 माइनस, तो वो 25 आ जाएगा दोस्तों। आप 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 माइनस 9, तो आपके पास ये हो जाएगा दोस्तों 16/25। ये दोस्तों किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये दोस्तों आपकी कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से आप कॉस थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके रूट निकालेंगे तो 16 का रूट 4 होगा, 25 का 5 हो जाएगा, तो यहाँ से कॉस थीटा दोस्तों मिल जाएगा आपको 4/5। यहाँ से कॉस थीटा दोस्तों क्या मिलेगा, 4/5 मिलेगा। अब टेन थीटा का फॉर्मूला दोस्तों अपन ने अभी डिस्कस करा है, टेन थीटा दोस्तों क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो साइन थीटा की वैल्यू आपके पास है दोस्तों 3/5 रख देंगे, साइन थीटा कितना है दोस्तों आपके पास 3/5 है, ये यहाँ से ले लेंगे आप 3/5, एंड कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 है दोस्तों, तो कॉस थीटा के प्लेस पर 4/5 रख देंगे, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये टेन थीटा की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी, 3/4, तो 3/4 दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा। इसी टाइप आप बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन निकाल सकते हैं, कॉट थीटा निकाल सकते हैं, कॉस थीटा अपन साइन थीटा, सेक थीटा निकाल सकते हैं जो कि कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, कोसेक थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो इस केसेस में दोस्तों ये आइडेंटिटी आपकी इंपॉर्टेंट है, ये आइडेंटिटी आपको ध्यान रखना है। यदि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यदि आपके पास गिवन है तो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपको एक ही आइडेंटिटी का यूज करना है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट जो है आपके पास, जैसे अपन ने टेबल पढ़ी है, टेबल में जैसे मान लो आपके पास दे रखा है कि साइन 30 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों, इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों आप क्या करते हैं, आपको टेबल का यूज करना है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू दोस्तों 1/2 होती है, और कॉस 60 डिग्री जो होता है वो भी 1/2 होता है। टेबल से अपन दोस्तों अभी अपन ने टेबल डिस्कस करी है, साइन 30 की वैल्यू देखो 1/2 है, कॉस 60 की वैल्यू जो है वो भी 1/2 है, तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2 है और साइन 90 डिग्री की वैल्यू दोस्तों 1 है, तो आप क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 1/4 आ गया प्लस 1/√3/2 आ गया, ये कितना हो गया दोस्तों √3/2 हो गया, तो यहाँ से आप 4 एलसीएम ले सकते हैं, तो 1 2 2 4 ये हो जाएगा 2√3, तो 1 + 2√3/4, तो यहाँ से आप ये वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप इस टेबल से वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस ध्यान रखना है, आइडेंटिटी क्या होती है उसको भी आपको थोड़ा सा रिवाइज करना है। नेक्स्ट इसमें कुछ आइडेंटिटी है, कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में क्या होता है दोस्तों, कुछ आइडेंटिटी जो इंपॉर्टेंट होती है उसको आपको याद रखना है। जैसे साइन ए प्लस बी एंगल में दोस्तों क्या है, साइन ए प्लस बी है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है दोस्तों साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दोस्तों ये क्या होती है, एक आइडेंटिटी होती है, साइन ए प्लस बी को आप लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सेकंड आइडेंटिटी, यदि प्लस की प्लेस पर आपका माइनस है दोस्तों,
प्लस की प्लेस पे क्या है आपका दोस्तों, माइनस है, तो बीच में आपका माइनस आ जाएगा। तो बीच में माइनस आ जाएगा मतलब आपकी आइडेंटिटी तो सेम रहेगी, साइन ए कॉस बी, माइनस टाइम हो जाएगा, माइनस टाइम हो जाएगा दोस्तों कॉस ए एंड साइन बी। तो इस टाइम आपको आइडेंटिटी ध्यान रखना है। थर्ड है कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी दोस्तों, ये तो साइन ए प्लस बी की और साइन ए माइनस बी की है। कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी में क्या होता है दोस्तों, कॉस ए कॉस बी, कॉस वाली टर्म पहले आती है, बीच में माइनस आ जाता है, साइन ए साइन बी, वो दोनों टर्म साइन के फॉर्म में रहती है। और दोस्तों यदि फोर्थ वाली आइडेंटिटी को यदि अपन डिस्कस करते हैं, तो फोर्थ वाली आइडेंटिटी दोस्तों कॉस ए माइनस बी के फॉर्म में रहती है। तो ये आइडेंटिटी हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर कॉस ए कॉस बी, तो आपका एज इट इज है, प्लस आ जाता है दोस्तों साइन ए साइन बी, प्लस आ जाता है दोस्तों साइन ए एंड साइन बी। तो ये चार आइडेंटिटी है। नेक्स्ट आइडेंटिटी है फिफ्थ वाली आइडेंटिटी, जिसमें टेन वाला फॉर्म मिलता है दोस्तों, टेन ए प्लस बी। टेन ए प्लस बी की जो आइडेंटिटी है दोस्तों वो होती है टेन ए प्लस टेन बी। आइडेंटिटी क्या होती है दोस्तों, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन ए टेन बी। दोस्तों वन माइनस टेन ए एंड टू टेन बी, ये टेन ए प्लस बी की आइडेंटिटी है। सिक्स यदि टेन ए माइनस बी लेते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर साइन आपके चेंज हो जाएंगे दोस्तों। चेंज मतलब क्या हो जाएगा, टेन ए तो आपका एज इट इज रहेगा, माइनस ऑफ टेन बी आ जाएगा दोस्तों, डिवाइडेड बाय जब माइनस है वहाँ पर प्लस आ जाएगा, एंड टेन ए इंटू टेन बी आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। सेवंथ आइडेंटिटी दोस्तों कॉट वाले फॉर्म में रहती है, कॉट ए प्लस बी। तो कॉट ए प्लस बी मतलब ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वन माइनस कॉट ए कॉट बी डिवाइडेड बाय कॉट ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ बी, मतलब वो रेसिप्रोकल फॉर्म में चला जाएगा, इसका रेसिप्रोकल फॉर्म। जैसे एट्थ वाली आइडेंटिटी दोस्तों क्या होती है, कॉट ए माइनस बी होती है। तो कॉट ए माइनस बी में यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, मतलब सेम आइडेंटिटी रहेगी दोस्तों, वन प्लस कॉट ए और कॉट बी डिवाइडेड बाय कॉट ए, कॉट ए माइनस कॉट बी। तो इस टाइप आपको आइडेंटिटी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो नाइन्थ वाली आइडेंटिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है दोस्तों। जैसे मान लो आपके पास साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है, तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर एंगल जो है वो डिफरेंट टाइप्स के रहेंगे। एंगल क्या रहेंगे दोस्तों, अलग अलग रहेंगे। यदि एंगल अलग अलग हैं, यहाँ पर एंगल ध्यान रखना है, ये एंगल आपके सेम नहीं रहेंगे, ये एंगल क्या रहेंगे आपके डिफरेंट रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। तो आपका फार्मूला हो जाएगा दोस्तों साइन ए प्लस बी, आपका फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है टेंथ आइडेंटिटी है, जो कि आपका रिप्लेस होगा साइन की प्लेस पर कॉस, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी की जो आइडेंटिटी है दोस्तों, वहां पर कॉस की टर्म में आ जाएगी, कॉस ए प्लस बी हो जाएगा इंटू नेक्स्ट कॉस ए माइनस बी हो जाएगा। तो ये कुछ आइडेंटिटी अपन ने दोस्तों डिस्कस करी है। इन आइडेंटिटी पर बेस्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दोस्तों, तो ये आइडेंटिटी आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है, इसके बाद आपके पास आते हैं क्वाड्रेंट। इसके बाद क्या आते हैं दोस्तों, क्वाड्रेंट। अब दोस्तों क्वाड्रेंट जो होते हैं ना, फोर टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं दोस्तों क्वाड्रेंट, फोर टाइप्स के होते हैं। जैसे मान लो आपके पास टू डायमेंशन ज्योमेट्री है, ये एक्स, ये x डैश है, ये आपका y हो गया, ये आपका y डैश हो गया। तो ये होता है दोस्तों फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है दोस्तों सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है दोस्तों थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है दोस्तों फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें एक फार्मूला होता है ए एस टी सी, ध्यान रखना दोस्तों, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ये याद रखने का तरीका है दोस्तों। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, क्वाड्रेंट मतलब रेशियो, छह टाइप्स के रेशियो जो पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा,
थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोस्तों ध्यान रखना 19 माइनस थीटा जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 डिग्री माइनस थीटा है। सेकंड क्वाड्रेंट में दोस्तों क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री प्लस थीटा एंड 180 डिग्री माइनस थीटा वाला फॉर्म आता है, वो सेकंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आता है 180 डिग्री प्लस थीटा और आता है 270 डिग्री माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में दोस्तों क्या होता है, 270 डिग्री प्लस थीटा एंड 360 डिग्री माइनस थीटा। 360 डिग्री क्या होगा दोस्तों, 360 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, और ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा दोस्तों 360 डिग्री प्लस थीटा। तो इस टाइप आपको क्या करना है, ये आपका ऑर्डर चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर। एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है 19 माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस थीटा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में 19 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा होता है, जो वो ऑल पॉजिटिव होता है जिसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, 180 डिग्री प्लस थीटा एंड 270 डिग्री माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा होते हैं। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि इस कंडीशंस में क्या होता है, एक तो जो 19 डिग्री माइनस थीटा और 19 डिग्री प्लस थीटा, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी जो है वो एक्सचेंज हो जाती है, साइन की कॉस हो जाती है, कॉस की साइन हो जाती है, सेक की कोसेक हो जाती है, कोसेक की सेक हो जाती है, टेन की कोट हो जाती है, कोट की टेन हो जाती है, और 270 डिग्री माइनस और 270 डिग्री प्लस में इसमें भी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी आपकी एक्सचेंज हो जाएगी, बट 360 और 180 में जो है वो चेंज नहीं होगी, ध्यान रखिएगा आप। मतलब यदि आपसे पूछा जाए कि आपके पास 19 डिग्री माइनस थीटा, यदि मान लो आपके पास साइन 19 डिग्री माइनस थीटा है तो ये होगा आपका कॉस थीटा, यदि आपके पास कॉस 19 डिग्री माइनस थीटा है तो दोस्तों वह एक्सचेंज होके साइन थीटा हो जाएगा, फिर यदि मान लो आपके पास टेन 19 डिग्री माइनस थीटा है तो दोस्तों वो कॉट थीटा हो जाएगा, यदि वो दोस्तों कॉट 19 माइनस डिग्री माइनस थीटा है तो दोस्तों वो टेन थीटा हो जाएगा, फिर यदि मान लो दोस्तों सेक 19 डिग्री माइनस थीटा है तो वो हो जाएगा दोस्तों कोसेक थीटा, और मान लो कोसेक 19 डिग्री माइनस थीटा है दोस्तों तो वो हो जाएगा आपका सेक थीटा। तो मतलब कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आपके पास इन 19 में साइन और कॉस जो हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों, वो एक्सचेंज हो जाएंगे, वो दोस्तों क्या हो जाएंगे दोस्तों, वो एक्सचेंज हो जाएंगे, क्योंकि 19 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में 19 प्लस थीटा लेंगे तो साइन पॉजिटिव होगा, मतलब आपका साइन का जो वैल्यू है कॉस पॉजिटिव होती है, बाकी सब निगेटिव हो जाएंगे। 180 डिग्री में साइन यदि मान लो 180 डिग्री माइनस थीटा है तो वो चेंज हो गई नहीं, साइन तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों कि एक तो 19 प्लस माइनस में और 270 प्लस माइनस में आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ऑल पॉजिटिव होता है, ये बात अपन किसकी कर रहे हैं, क्वाड्रेंट फर्स्ट की कर रहे हैं दोस्तों, ये जितने भी हैं आपके पास क्वाड्रेंट फर्स्ट हैं। और यदि मान लो आप सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट की यदि आप बात करते हैं दोस्तों, तो सेकंड क्वाड्रेंट में दोस्तों क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक तो 90 डिग्री प्लस थीटा होता है और एक होता है आपका 180 डिग्री माइनस थीटा, ये दो आपके पास कंडीशंस होती है। देखो आप 19 प्लस थीटा एंड 180 माइनस थीटा, आप जैसे मान लो आपने साइन लिया यहां पर, तो साइन आपने लिया 19 डिग्री प्लस थीटा, तो साइन का दोस्तों एक्सचेंज हो जाएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव होता है। यदि आप कॉस लेंगे, कॉस दोस्तों क्या लेंगे आप, 19 प्लस थीटा लेंगे तो दोस्तों वो माइनस साइन थीटा आ जाएगा, और साइन का रेसिप्रोकल जो कोसेक होता है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक 19
डिग्री प्लस थीटा जो होता है दोस्तों वो आपका सेक थीटा होता है, ये भी पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एक्सचेंज होके माइनस में आ जाएंगे। अब यदि मान लो मैं यहाँ पर बात करता हूँ साइन 180 डिग्री की, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा आपका पॉजिटिव साइन थीटा होता है, क्योंकि साइन का साइन में होगा, कॉस का कॉस में होगा, इसमें एक्सचेंज नहीं होंगे दोस्तों। यदि आप कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा की बात कर रहे हैं दोस्तों, आप किसकी बात कर रहे हैं, 180 डिग्री माइनस थीटा की बात कर रहे हैं, तो ये आपका माइनस ऑफ कॉस थीटा होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में दोस्तों क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में दोस्तों साइन थीटा जो है वो पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा नेगेटिव होता है। फिर यदि अपन टेन की बात करते हैं दोस्तों, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो वो माइनस टेन थीटा होता है दोस्तों। और यदि मान लो यहाँ पर अपन टेन की बात करते हैं, टेन 19 डिग्री प्लस थीटा की बात करते हैं, तो वो आ जाएगा माइनस ऑफ कॉट थीटा। क्यों हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि वापस में एक्सचेंज हो जाता है। तो बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन या साइन का जो अपोजिट है कोसेक, कोसेक 180 डिग्री प्लस थीटा दोस्तों, ये माइनस कोसेक थीटा होगा, सॉरी ये प्लस कोसेक थीटा होगा, प्लस, क्योंकि साइन का जस्ट अपोजिट कोसेक प्लस का होता है, बाकी सब आइडेंटिटी आपकी माइनस में मिलेगी। एस टी, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया दोस्तों। यदि अपन थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो दोस्तों वहां पे आएगा 180 प्लस थीटा एंड थर्ड क्वाड्रेंट 270 माइनस थीटा। अब यदि मान लो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, 10 और कॉट, यदि आप 10 लेते हैं आप, तो 10 180 डिग्री प्लस थीटा वो आपका 10 थीटा होता है दोस्तों, और 10 का अपोजिट होता है कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा, ये भी आपका कॉट थीटा होता है, बाकी सब आपके क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, जो रिमेनिंग रेशियो बचे हैं वो सब क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। अब यदि मान लो 270 डिग्री की बात करें, तो 270 डिग्री में दोस्तों 10 270 डिग्री माइनस थीटा, ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे दोस्तों, ये आपका कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट इसका रेसिप्रोकल 270 डिग्री माइनस थीटा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 10 थीटा, बाकी जितने भी रिमेनिंग हैं वो सब माइनस में रिप्रेजेंट होंगे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये रिमेनिंग रहेंगे दोस्तों, रिमेनिंग रेशियो जो हैं वो सब क्या रहेंगे दोस्तों, निगेटिव रहेंगे, यहाँ पे भी रिमेनिंग रहेंगे, रिमेनिंग रेशियो वो सब क्या रहेंगे दोस्तों, निगेटिव रहेंगे। ये तो थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो गई। यदि अपन फोर्थ वाले क्वाड्रेंट की बात करें, यदि दोस्तों अपन किसकी बात कर रहे हैं, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट की, तो फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में दोस्तों क्या होता है, 270 प्लस थीटा होता है एंड 360 माइनस थीटा होता है। अब फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में दोस्तों क्या होता है, एएसटीसी कॉस पॉजिटिव होता है, मतलब यहां पर कॉस यदि 270 डिग्री प्लस थीटा है तो कॉस एक्सचेंज होके वो साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा दोस्तों, सेक 270 डिग्री प्लस थीटा दोस्तों क्या होगा, वो आपका कोसेक हो जाएगा, और जितने भी रिमेनिंग हैं सब निगेटिव होते हैं, रिमेनिंग जो रेशियो होते हैं ना दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिकल, सब आपके एक्सचेंज वाले फॉर्म में निगेटिव होते हैं। 360 माइनस थीटा की बात करें, तो इसमें भी आपका यदि कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा है आपका, तो वो कॉस थीटा ही रहेगा, और सेक की बात करें, तो सेक 360 डिग्री माइनस थीटा, तो वो सेक थीटा ही रहेगा, बाकी जो रिमेनिंग है वो सब निगेटिव होते हैं। रिमेनिंग जो रेशियो होते हैं दोस्तों वो सब क्या रहेंगे दोस्तों, वो आपके क्या रहेंगे, निगेटिव रहेंगे। तो इस टाइप आपको क्वाड्रेंट्स भी ध्यान रखना है,
कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है आइडेंटिटी, कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव होते हैं रेशियो, कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, कौन कौन से निगेटिव होते हैं दोस्तों। तो इस पूरे लेक्चर में अपन ने केवल ये डिस्कस करा है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, उसकी आइडेंटिटी एंड उसमें आपके पास कौन सी टेबल्स में रेडियन और डिग्री वाले फॉर्म में, और कुछ आइडेंटिटी जो है क्वाड्रेंट के फॉर्म में आप इस लेक्चर में अपन ने डिस्कस करी है। तो दोस्तों अगले लेक्चर में अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों, और जो लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन पूछे हैं दोस्तों आपकी एग्जामिनेशन में, उसको डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो चलो आज की लेक्चर में अपन इतना ही करते हैं दोस्तों, गुड डे ऑल ऑफ यू।